नंबर। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की विधि तस्वीर लगातार कई संस्थाओं, विद्यालय और प्रशासन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम में महानगर में किया जा रहा है। इसी क्रम में गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह की कवायद से जनादेश और पर्यावरण स्वच्छ होगा, वहीं आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में कुछ दे सकेंगे। इस पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधान परिषद सभापति गणेश शंकर पांडे सहित कॉलेज की प्राचार्य पूनम शुक्ला, उपाचार्य डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर नूतन त्रिपाठी सहित महाविद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने अपने हाथों से पौधारोपण किया। हमारे विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा आयोजन किया है। विद्यालय महाविद्यालय लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस अच्छे कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए, और मुझे आपने आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या लगता है कि वृक्षारोपण करने वाले उसका देख देखा रख रखाव जो है थोड़ा सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, उसमें क्या करना? वृक्षारोपण करने के बाद उसका देख देखाओ रख रखाव उसका जो है सुचारू। वृक्षारोपण करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है विद्यालय परिवार के लोगों को द्वारा जैसे वृक्षों का पर्याप्त देखा पर देखभाल का कार्य किया जाएगा। हम लोग भी समय समय पर विद्यालय में आते रहते हैं, हम लोग भी सहयोग करते हैं। विद्यालय परिवार के हमारे जो सम्मानित शिक्षिका हैं वे लोग पूरा प्रयास करती हैं अच्छे कार्य के लिए, बच्चों को शिक्षित करने का, साक्षर करने का जो कार्य पूरी कार्य कर रही हैं। निश्चित तौर पर मैं विद्यालय के जो सम्मानित शिक्षिकाएँ हैं उनको